हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर हम बात करते रहते हैं अनेक प्रकार के मंत्रों और स्तोत्रों की, जिनके जप से घर में सुख और शांति तो आती ही है, साथ ही साथ कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। मंत्रों का जप वास्तव में हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और कई प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाकर मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ऐसे ही स्तोत्र हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जप करना, और इस स्तोत्र का जप करने मात्र से या सुनने मात्र से मनुष्य के ऊपर अगर पितृ दोष है, ग्रहों के दोष है, पैसों की समस्या है या भारी से भारी कर्ज है, तो मनुष्य सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अवांछित संकट से भी मनुष्य को मुक्ति मिलती है। जहाँ विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता इनका पाठ करना लाभदायक होता है, उतना ही शुभ गजेंद्र मोक्ष का पाठ बतलाया गया है। और इसको करने से ना केवल श्री विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, बल्कि इसका पाठ सभी दिशाओं से शुभ फल दिलवाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस चमत्कारी और शक्तिशाली पाठ को दिन में कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना या सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 2, 3, और 4 अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन किया गया है। बिल्कुल छोटा सा पाठ है जिसमें 33 श्लोक हैं, और इसमें हाथी और मगरमच्छ के युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें गजेंद्र ने ग्रह के मुख से छूटने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान की बड़ी ही मार्मिक स्तुति की थी, और प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे ग्रह से मुक्त कराया था। इस स्तोत्र को सुनते सुनते अगर आपकी भी आंखों से प्रेम और करुणा के आंसू छलकने लगें, तो इसे रोके नहीं, बहने दें। ये समस्त पापों को नाश करने वाला स्तोत्र है, सभी प्रकार से संकटों से मुक्ति के मार्ग को दिखाता है। अति प्राचीन काल की बात है, द्रविड़ देश में एक पांड्यवंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। ये भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट के परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई, और इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा हो गया, सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए, निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहने लगे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती, राज्य हो, कोष हो, प्रजा हो, पत्नी हो, किसी भी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था, और संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद, न अर्घ्य और न स्वागत। मौनव्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, और ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दि में 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। ये पर्वत अत्यंत ही सुंदर एवं श्रेष्ठ था, और उस पर्वत राज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे, और उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप
पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तृषाधिक्य यानी कि प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा और गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई, फिर उस जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से अपनी हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया और गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राह्य ग्रस्त देखकर हथनिया, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे, गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त के शाप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत ही पराक्रमी थे। दोनों में संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और गाय गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल थे वो छत विच्छत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे और गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे और यह दृश्य देखकर देवतागण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती चली गई और वह नवीन उत्साह के साथ और अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया, पूर्णतया निराश हो गया। और किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। और इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व आत्मा सर्व देवरूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे और जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ आरूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगतगुरु भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे और सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिकम्मा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व हो सिद्ध हो देवगण उनकी लीला का गान करने लगे और गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का प्रदान करूंगा।
यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। जौ भर सूंड ही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। नाथ कैसे गज को फंद चुड़ाओ, यह आचरण माही हाओ। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग विधुर कर खायो। पैठ पाताल काली नागनाथ्यो, फन पर निरत करायो। गिरी गोवर्धन कर पर धार्यो, नंद का लाल का आयो। नाथ कैसे गज को फंद चुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। असुर बकासुर मार्यो, दावा नल पान करायो। खंब फाड़ हिरण्य कुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। अजामिल गज गणिका तारी, द्रौपदी चीर बढ़ायो। पय पान करत पूतना मारी, कुब्जा रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। कौरव पांडव युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मान घटायो, मोही भरोसा आयो। सब सखियां मिल बंधन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राधा का संग, कैसे गोवर्धन उठायो। जोगी जाको ध्यान धरत है, ध्यान से भजी आयो। सूर श्याम तुमरे मिलन को, यशुदा धेनु चरायो। नाथ यह आचरण माही हाओ। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग विधुर कर खायो। पैठ पाताल काली नागनाथ्यो, फन पर निरत करायो। गिरी गोवर्धन कर पर धार्यो, नंद का लाल का आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। असुर बकासुर मार्यो, दावा नल पान करायो। खंब फाड़ हीरानक हिरण्य कुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। अजामिल गज गणिका तारी, द्रौपदी चीर बढ़ायो। पय पान करत पूतना मारी, कुब्जा रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। कौरव पांडव युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मान घटायो, मोही भरोसा आयो। सब सखियां मिल बंधन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राधा का संग, कैसे गोवर्धन उठायो। जोगी जाको ध्यान धरत है, ध्यान से भजी आयो। सूर श्याम तुमरे मिलन को, यशुदा धेनु चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। जौ भर सूंड ही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। नाथ कैसे गज को फंद चुड़ाओ।